सो फाइनली गाइस आ चुके थे एक और नई वीडियो के साथ वापस एंड यार ये वाली गेम प्ले में कतई तबाही मचा दी थी पूरे इरेंगल में। वीडियो एंड तक जरूर देखना, मज़ा बहुत ही आएगा। वो पिता तो राजा होता है जिसकी होती हैं बेटियां, चल के चमकाते हैं सभी बंदों की पेटियां। आप यार कोचिंग की के पास वाले स्क्वाड हाउस से फायरिंग होती है, चल के सीधा डासिया लेता हूँ एंड फिर इस बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ। फिर इस बंदे को टपकाने के बाद कोचिंग की मैं वापस से राउंड मारने के लिए आता हूँ तो देखो सामने ही बंदा स्पॉट होता है। अब यार वापस से निकलने की सोचता हूँ बट फायर आता है इतने में। अब यहाँ पे गाइस एक रियल बंदा एक बॉट को मार देता है, तो चलिए बॉट का बदला लेते हैं। अब ये भाई साहब अपने सहेली का इंतजार कर रहे थे बालकनी में खड़े होकर, इनकी भी पेट ही चमका देते हैं फिर हम। अब यहाँ पे एक बंदे के फुट्स आते हैं तो उसकी पेट ही चमकाने के बाद फाइनली गाइस कोचिंग के क्लियर हो जाता है। अब यार इसके बाद बंदों को ढूंढते ढूंढते मैं स्कूल पे आता हूँ बट कोई नहीं मिलता। अपार्टमेंट्स पे जाता हूँ वहाँ पे भी कोई नहीं मिलता। फिर रिजॉर्ट पे जाता हूँ, रिजॉर्ट में भी कोई नहीं मिलता। एंड फिर यार देखो चर्च पुल में जाता हूँ तो एक बंदा मिलता है। उसके बाद गाइस जॉर्जो पुल में भी राउंड मारता हूँ बट यार इस बंदे के अलावा मुझे कोई नहीं मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ से भी मुझे निकलना पड़ता है। अब यार बहुत ढूंढता हूँ पर यार बंदे नहीं मिलते हैं, तो ड्रॉप पे जाने की सोचता हूँ बट इतने में यहाँ से फायर होता है। अब यार ये वाला बंदा भी अपनी सहेली का वेट कर रहा था बालकनी में बट यार मुझे लगता है यहाँ पे ये बंदे सुधरने वाले थे नहीं डायरेक्ट पेटी चमकाने से, तो इनके पिछवाड़े में आग लगा देता हूँ मैं।
अब यार रेंगल में एक न्यू गाड़ी आती है तो ये बंदा सोचता है कि ट्रायल मार के देख लेते हैं यार कैसी चलती है, उसी खबर लेते हैं। बिना हमसे पूछे इसने गाड़ी को हाथ कैसे लगाया। अब यार इस बंदे की पेटी चमकाता हूँ तो उसका टीममेट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और यार देखो एसपीएस से मारने लग रहा था मुझे। अब यार इसे भी लॉबी में भेजना पड़ेगा। अब यार इन्हें फिनिश करने के बाद आ जाता हूँ वापस से उस स्क्वाड हाउस पे जहाँ पे एक बंदे को मैंने बताया उससे फिनिश किया था। जो बंदा गाड़ी लेके गया है उसे भी याद रखना, उसे भी मारेंगे। अब यार इसे AWM की चुम्मी दे दी थी, अब चल के उस बंदे को देते जो गाड़ी लेके आया था ऊपर की साइड। अब यार यहाँ पास में ड्रॉप गिरा होता है तो आता हूँ यहाँ पे AWM से स्नाइपिंग करने के लिए ड्रॉप पे। बट यार देखो इतने क्या ही सीन होता है। अब यार थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद जब निकलता हूँ तो देखो यार एक बंदा मेरे बग्गी के ऊपर ही एम लेके बैठा था। अब यार वो बंदा यहाँ पे घास में लेट जाता है तो स्पॉट नहीं होता मुझे, तो सीधा गाड़ी लेके रश कर देता हूँ इस बंदे के ऊपर। यहाँ पे यार थोड़ी देर होल्ड करता हूँ मैं, फिर देखो बंदे के फुट्स आते हैं मुझे। गिली वाला बंदा तो सोचता है कि गिली पहन लिया तो किसी को दिखूंगा ही नहीं। भाई साहब भाग कैसे रहा था ये। गिली सूट वाले को नॉक करने के बाद तुरंत ही मॉली कर देता हूँ, बट यार वो फिनिश नहीं होता है। भाई थोड़ा वेट करने के बाद तुरंत रश कर देता हूँ मैं इन बंदों के ऊपर। एंड फिर देखो यार हमें जो रोक सके वो तुम्हारे M249 में दम नहीं। प्रो ना सही पर प्लेयर हम भी कम नहीं। गाइस इस वाले 1v2 के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। अब लास्ट के बंदों को देखो यार कैसे मारता हूँ। अब यार पुनीत नाम के बंदे को फिनिश करने के लिए ग्रेनेड भी फेंक देता हूँ, बट यार वो ग्रेनेड पहुँचता ही नहीं वहाँ तक। अगर यार इस बार वो पुनीत नाम का बंदा मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे, डायरेक्ट नॉक फिनिश कर दूंगा। अब यार लास्ट वाले बंदे को मारने के लिए ग्रेनेड फेंकता हूँ, बट यार वो ग्रेनेड से डैमेज होके जोन से मर जाता है। सो दैट्स इट यार, यही था गेम प्ले। आई होप कि आप सभी को बढ़िया लगा हो। एंड यार अगर बढ़िया लगा हो तो यार दिल से सपोर्ट दिखाओ गाइस।
मैं मिलता हूँ आपसे किसी और निकमाल की वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।